आज 5 तारीख है, तो अभी मोदी जी ने आना है यहाँ पर शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन करने, तो उसी के लिए ये एक आर्मी का हेलीकॉप्टर आ चुका है और अभी अभी एक और जो प्राइवेट है वो भी आगे की ओर जा रहा है मंदिर की तरफ। तो ये वाला जो है ये इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर है, देखते हैं कि इसके अंदर मोदी जी हैं या नहीं। तो अभी हम यहीं पर ही वेट कर रहे हैं। अभी मैं घोड़ा पड़ाव से कुछ नीचे उतर के आ चुका हूँ इस शॉर्टकट से। काफ़ी लोग आ रहे हैं शॉर्टकट से उतर के और कई लोग यहाँ से ऊपर की ओर भी चढ़ रहे हैं। तो नीचे उतरते हुए सावधानी देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि पत्थर वगैरह है, पैर फिसलने की काफ़ी संभावना है यहाँ पर। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं भी यहाँ से गिरा था और काफ़ी ज़्यादा चोट भी लग चुकी है मुझे। तो अभी मैं शॉर्टकट को ना अपना के अभी मैं यहाँ से सीधे इस वाले रास्ते से जाऊँगा क्योंकि पत्थर से पैर फिसल सकते हैं यहाँ पर। और आपको यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ पीछे घाटी का। देखिए नदी चल रही है, मंदाकिनी नदी। ऊपर पहाड़ों पर धूप आ चुकी है, नीचे घाटी का एरिया कुछ ऐसा है। लोग जा रहे हैं आगे शॉर्टकट से, सामने वॉशरूम बना हुआ है, घोड़े वगैरह कर सकते हैं ऊपर जाने के लिए, जिसका प्राइस है 2350 के आसपास और नीचे वाले जो उतरने वाला है उसका 1200 के आसपास है। तो वहाँ से ऊपर से शॉर्टकट है काफ़ी ऊपर से, जो आपको सीधा यहाँ नीचे ले आएगा। काफ़ी शॉर्टकट हो जाएगा, कम से कम 1 किलोमीटर का शॉर्टकट है ये यहाँ से। अभी मैं लिनछोली पहुँच चुका हूँ। सामने जो आपको नज़ारा दिखाई दे रहा है ये लिनछोली है और लिनछोली में पुलिस चौकी भी है लेकिन चिकित्सा कार्यालय नहीं है। ये फ़िलहाल ये लिनछोली का एरिया है और इसी लिनछोली एरिया के आसपास ही आपको ये इतनी बड़ी जगह देखने को मिलेगी। देखो काफ़ी बड़ा एरिया है ये, और ये हेलीपैड था शायद, सिंबल भी बना हुआ है ऊपर, एच का सिंबल बना हुआ है। ये हेलीपैड था लेकिन ये अभी यूज़ नहीं हो रहा क्योंकि अभी जो हेलीपैड है वो टेंपल के पास में है जो कि 1.5-2 किलोमीटर के आसपास है। तो ये वाला हेलीपैड अभी यूज़ नहीं हो रहा, तो ये पूरा का पूरा एरिया अभी खाली है, लोग आकर यहाँ पर रेस्ट करते हैं। तो एक बार आपको नीचे घाटी का व्यू दिखा देता हूँ इसी प्लेटफॉर्म से। देखिए ऊपर पहाड़ और इसी पहाड़ के पीछे ही मंदिर है। यदि आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो इसका मीन समझ लीजिए आप मंदिर के काफ़ी पास चले जाएंगे। ऊपर पहाड़ों पर बर्फ़ भी है। ये लिनछोली का एरिया और ये पूरा का पूरा एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आइए बैठिए आराम करिए। और ये घोड़े भी यहाँ पर अभी रेस्ट कर रहे हैं, कई लोग नीचे जा रहे हैं कई लोग ऊपर भी जा रहे हैं, देख सकते हैं। तो अभी मुझे फ़िलहाल जाना है नीचे, तो अभी मैं चलता हूँ नीचे। जगह जगह आपको ये वाटर क्रॉसिंग भी देखने को मिलेगी। जब आप चढ़ाई करेंगे या उतराई करेंगे तो रास्ते में आपको इस तरीके से ये वाटर क्रॉसिंग देखने को भी मिल सकती है। देखिए सामने ऊपर से आ रहा है पानी और इस तरफ में इन्होंने यहाँ पर ये स्लॉट बनाए हुए हैं सो दैट पैसेंजर का कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें क्रॉस करने में वाटर ब्रिज को। लेकिन एक प्रॉब्लम फिर भी रहेगी इस वाटर ब्रिज को क्रॉस करते समय, ये जो आपको दिखाई दे रहा है सामने एक्चुअली में ये पूरी बर्फ़ है, ठीक है। तो इसके ऊपर फिसलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसके ऊपर से जब भी आप लोग चलें तो काफ़ी सावधानी पूर्वक चलें कि फिसलने के चांसेस पे हो सकते हैं। आपको इस झरने की आवाज़ सुनाता हूँ, देखो कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल नेचुरल आवाज़ आ रही है इस झरने की। यहाँ पर कुछ देर बैठते भी हैं, रेस्ट करता हूँ यहाँ पर कुछ देर, फिर चलेंगे दोबारा से आगे। ये व्यू है केदारनाथ घाटी का। और ये वाटरफॉल केदारनाथ 16 किलोमीटर का ट्रैक है। जैसे ही आप 8 किलोमीटर कवर करेंगे, चाहे ऊपर से नीचे आते हुए या नीचे से ऊपर आते हुए, तो आपको गौरीकुंड नीचे जाते हुए दो रास्ते मिलेंगे और ऐसे ही ऊपर
केदारनाथ जाने के लिए दो रास्ते मिलेंगे। तो एक रास्ता ये वाला है जिसमें आपको ये मनमोहक दृश्य देखने को मिलेंगे जिसमें झरना बह रहा है, ये वाला रास्ता शॉर्टकट है तो मैक्सिमम लोग इसी को ही फॉलो करते हैं। दूसरा जो रोड है, रास्ता है, वो अच्छा रास्ता है लेकिन वो लंबा पड़ता है, इसीलिए काफ़ी लोग उसको अवॉइड कर देते हैं। तो अभी हम इसी रास्ते से ही वापस जा रहे हैं और इसी रास्ते से ही हम ऊपर गए थे। तो अभी चलते हैं झरने के पास और आपको दिखाता हूँ झरने के पास की कुछ तस्वीरें। 500 मीटर और चलने के बाद और ज़्यादा झरने का जो व्यू है और ज़्यादा क्लियर हो गया है। देखो ऊपर से आ रहा है मंदाकिनी नदी का पानी। काफ़ी लोग यहाँ पर बैठकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, एंजॉय ले रहे हैं। तो अभी चलते हैं हम भी नीचे, इस वाले रास्ते से नीचे जाकर वहाँ पर नीचे पुल पर पहुँच जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अभी पुल की तरफ। अब और ज़्यादा नदी के बिल्कुल पास आ गया हूँ। ये देखो बिल्कुल पास से ये नदी जा रही है, बिल्कुल प्रेशर काफ़ी तेज़ है और लोग बैठे हुए हैं किनारे की तरफ। देखिए ये पुल है जिसके ऊपर से अभी क्रॉस करके हमने दूसरी तरफ जाना है, गौरीकुंड की तरफ। तो अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा नदी का आनंद लेने के लिए थोड़ा सा पास में आ गया हूँ। ये देखिए और ऊपर से देखिए कहाँ से आ रही है ये नदी, मंदाकिनी नदी है इसका नाम। आपको इसकी आवाज़ भी सुनाता हूँ कि कितनी तेज प्रेशर है इसका, सुनिए। बिल्कुल पास में आ गया हूँ मैं नदी के, बिल्कुल देख सकते हैं कि बिल्कुल मैं नदी के किनारे पर ही खड़ा हूँ। देखिए अब देखिए कितना तेज प्रेशर है बिल्कुल पास से देखने पर। देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एकदम से पानी नीचे आ रहा है गहराई में, यहाँ प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। देखिए ये पुल है जिसके ऊपर से अभी हम लोग जाएंगे क्रॉस करके गौरीकुंड की तरफ। तो फिलहाल आप इसका एंजॉय लीजिए। एक बार ही मैं इसकी ओरिजिनल साउंड आपको सुनाता हूँ कि इसकी ओरिजिनल साउंड कैसी लग रही है। अभी इसी नदी में मैं थोड़ा सा अपना मुँह हाथ धोता हूँ, फ्रेश होता हूँ, क्योंकि ऊपर से जब आए थे तो वैसे ही सिर्फ टूथब्रश करा था। तो अभी यहाँ पे आके मैं थोड़ा सा फ्रेश होता हूँ। अभी आप लोगों ने देखा कि इसी मंदाकिनी नदी में मैंने मुँह हाथ धो लिया है। तो अभी मुँह हाथ धोने के बाद अब चलते हैं वापस से गौरीकुंड की तरफ। तो गौरीकुंड दिखा देता हूँ, पीछे पुल जा रहा है, इस पुल को क्रॉस करके गौरीकुंड का रास्ता आ जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मुँह हाथ धो लिया है जिससे कि रिफ्रेशमेंट मिल गई है। तो अभी आवाज़ सुनिए आप दोबारा से इसकी, इतना मैं चलता हूँ गौरीकुंड की तरफ।
अभी पहुंच चुका हूं भीर बाबा मंदिर में, चीरवासा भैरवनाथ मंदिर में। तो ये है भैरवनाथ मंदिर, दर्शन कर लीजिए आप लोग घर बैठे बैठे। इसके पीछे की मान्यता क्या है, ये चीरवासा भैरवनाथ मंदिर है, यहाँ पर चीर वह कपड़ा चढ़ाने का बड़ा महत्व है। यात्रा सफलता के लिए आपकी यात्रा मंगलमय हो। देख लीजिए चीरवासा भैरवनाथ मंदिर, यहाँ से गौरीकुंड रह जाता है 2.5 किलोमीटर। तो अभी चल रहे हैं नीचे, 2.5 किलोमीटर और चलना है, इसके बाद गौरीकुंड आ जाएगा, फिर वहाँ से सोनप्रयाग की टैक्सी लेंगे 30 रुपये में। तो चल रहे हैं अभी। पहाड़ों पर चढ़ते समय एक चीज़ ध्यान रखें, धीरे धीरे चलें, सांस नहीं फूलेगी बिल्कुल भी। हर जगह बोर्ड भी लगे हुए हैं, देख सकते हैं, धीरे धीरे रुक कर चलें, सांस नहीं फूलेगी। एक बार आपको घाटी का व्यू दिखाता हूँ यहाँ से, भैरवनाथ चीरवासा मंदिर मंदिर से देखिए। ये चीरवासा भैरवनाथ मंदिर से है, सामने लिखा भी हुआ है भैरव मंदिर चीरवासा। तो अभी चल रहे हैं नीचे की तरफ। चलते चलते रास्ते में हमें ये बाबा मिले हैं, देख सकते हैं कितनी एज है इनकी और कितना वजन उठाए हुए हैं ये अपने सिर के ऊपर। एक बार जानने की कोशिश करता हूँ। तो बाबा कहाँ से हैं आप? हरियाणा से। हरियाणा में कहाँ से? रोहतक से। बाबा जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पानीपत से हूँ। अच्छा। हाँ, क्या उम्र होगी आपकी? 70-72 साल इनकी उम्र है। और एक बार मैं इनका वजन दिखा देता हूँ, एक बार की कितना वजन लेकर चल रहे हैं देखो। आप देख सकते हैं कितना वजन है 70-72 साल की एज में। ये मुझे मिले हैं नीचे उतरते हुए मिले हैं अभी, और आगे अभी इनकी वाइफ भी जा रही है। तो कब आए थे यहाँ पर? कल आए थे ये यहाँ पर। तो देखो जी, आज उतराई करके जा रहे हैं। जिसकी श्रद्धा है, जिसका बाबा में विश्वास है, तो वो पैदल पैदल भी पहुँच रहे हैं। और उदाहरण आपके सामने है कि बूढ़े बूढ़े लोग, छोटे छोटे बच्चे तक भी पहुँच रहे हैं यहाँ पर। मेरे दो पोता पोती हैं, 1.5-4 साल का पोता है, 1-7 महीने की पोती है। अच्छा। वो अपने मम्मी पापा के साथ पीछे हैं। अच्छा, वो भी पैदल हैं। सुन लो जी, इनके पोता पोती हैं 4.5 साल और 7.5 साल के, बता रहे हैं कि वो भी पैदल पैदल आ रहे हैं, 4.5 साल के बच्चे भी। मेरी बेटी भी साथ में है। और इनकी लड़की, वो भी साथ में है। ये है इनकी वाइफ जो आ रहे हैं हमारे साथ में नीचे उतरते उतरते। अभी पहुंच चुका हूं मैं गौरीकुंड। तो गौरीकुंड पर स्नान करने के लिए आया था, तो अभी पुलिस वाले ने बताया कि जो मेन गौरीकुंड है वो फिलहाल बंद है, तो आप ये नदी के साइड में जाकर स्नान कर सकते हैं। तो अभी मैं ये साइड में आया हूं, तो ये साइड में आपको ये लोग नहाते हुए नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये गौरीकुंड से जो पानी निकल रहा है, जो नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, ये गर्म पानी है, और साइड में जो नदी का जो जा रहा है ये ठंडा पानी है। तो यहीं पर ही लोग नहा रहे हैं, आप देख भी सकते हैं पीछे। ये मैं आ गया हूँ कुंड के पास, कुंड वाले साइड वाले एरिए में, जहाँ पर लोग नहा रहे हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला गर्म पानी है, इसके अंदर से आ रहा है, धुआं भी उठता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको हल्का हल्का वीडियो में। तो यहाँ से आ रहा है गर्म पानी और ये जा रहा है ठंडा पानी। तो लोग यहाँ पर गर्म पानी में बैठ कर लोग नहा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। गौरीकुंड पर स्नान करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ सोनप्रयाग की तरफ। तो स्नान मैंने हुआ था जहाँ पर बाकी लोग कर रहे थे, दिखा देता हूँ एक बार फिर से आपको। ये जो पानी है ये बिल्कुल गर्म पानी निकल रहा है, तो यहीं पर ही लोग स्नान कर रहे थे। पीछे भी कुछ लोग स्नान कर रहे हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ से निकल रहा है गर्म पानी, नीचे नदी का ठंडा पानी। तो यहाँ पर आप लोग बैठ कर आराम से स्नान कर सकते हैं, यहाँ पर डब्बे बाल्टी आपको आसानी से मिल जाएंगे। ऊपर से कई लोग शॉर्टकट मार के आ रहे हैं यहाँ पर स्नान करने के लिए। ये है नदी के किनारे, अब ऊपर जाकर आपको दिखाता हूँ जो मेन कुंड है, जो कि अभी बंद कर दिया गया है। और ये नदी आ रही है, मंदाकिनी नदी। नीचे स्नान करने के लिए यदि आप आएंगे यहाँ गौरीकुंड में, नीचे नदी के पार में, तो आपको इस वाले रास्ते से आना होगा। मैं भी अभी इसी रास्ते से आया था और अभी इसी रास्ते से मैं वापस जाऊँगा। आप देख सकते हैं थोड़ी सी सुरक्षा आपको बरतनी पड़ेगी यहाँ पर। तो अभी इसी रास्ते से ही मैं वापस जाऊँगा, और देख सकते हैं कि यहाँ पर नहाने का बना हुआ है। तो चलते हैं अभी इसी रास्ते पर वापस।
पर चढ़कर आ चुका हूँ मैं। अभी देख सकते हैं नीचे आया था मैं वहाँ से क्रॉस करते हुए, तो अभी मैं जा रहा हूँ कुंड की तरफ, तो दिखाता हूँ आपको अभी कुंड। तो अभी बने रहिए मेरे साथ, काफ़ी लगेज हैवी है, दो दो बैग टांगे हुए हैं, तो यहाँ पर थोड़ी ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम रहती है। अभी चलते हैं कुंड की तरफ। ये पहुंच गए हैं हम कुंड पर, पीछे देखिए ये कुंड है, पानी ना के बराबर है। ये रहा कुंड, माँ पार्वती का स्नान कुंड। ये रहा, अभी इसमें पानी नहीं है, लोग सिर्फ बैठ के अपने हाथ पैर धो सकते हैं, देख सकते हैं। यही है गौरी कुंड, जिसमें जिसको आपने काफ़ी वीडियो में सुना भी होगा, तो देख लीजिए इसको ध्यान से, गौरी कुंड। और यदि आप इसमें नहाना चाहते हैं तो आपको नदी के इस तरफ में आना होगा। ये देख सकते हैं ऊपर आया हुआ हूँ मैं, ऊपर से लोग नहा रहे हैं देखिए, और ये गर्म पानी निकल रहा है नीचे, तो यहीं पर ही लोग अभी नहा रहे हैं। तो अभी हमारा स्नान हो चुका है, तो हम चलते हैं अभी सोनप्रयाग की तरफ। यदि आप लोग गौरी कुंड में स्नान करना चाहते हैं तो उसके लिए रास्ता बता देता हूँ। गौरी कुंड वाली जो मार्केट है वहीं से ही सीढ़ियाँ दी गई हैं, तो मार्केट में पूछ लेना, तो मार्केट में सीढ़ियाँ दी मिलेंगी, उस सीढ़ियों से नीचे उतर जाना और आप सीधा गौरी कुंड में स्नान के लिए जा पाएंगे। तो अभी हमारा स्नान हो गया है, तो हम अभी ऊपर की ओर जा रहे हैं। गौरी कुंड बस स्टैंड पर पहुंच चुका हूं, यहां पर सोनप्रयाग जाने के लिए जैसे गाड़ी आ रही है एक सेकंड में भरती जा रही है, तो अभी भी लोग वेट कर रहे हैं सोनप्रयाग जाने वाली कैब का, तो एकदम से भर जाती है। जैसे ही आती है वहां से सोनप्रयाग से, तो एकदम से ही भर जाती है। तो अभी भी काफ़ी यात्री हैं जो कि सोनप्रयाग जाने के लिए वेट कर रहे हैं, तो अभी मैं भी यहीं पर ही वेट कर रहा हूँ कि कब कोई आएगी वैन जिसमें सीट मिलेगी और हम लोग सोनप्रयाग तक जाएंगे। जैसे ही आप लोग सोनप्रयाग बस स्टैंड पर आएंगे तो सामने आपको ये दो ढाबे देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आप अपना बैग भी जमा करवा सकते हैं 50 रुपये में। तो अभी अभी एक और कैब आई है, ये वाली सामने दिख रही होगी, तो जैसे ही आई है एकदम से पैसेंजर इसमें बैठ रहे हैं। देखिए कितनी धक्का मुक्की है, दिखा देता हूँ आपको, देखिए। तो अभी वेट करते हैं, जब तक हमें मिलती है गाड़ी उसमें बैठकर जाएंगे। अभी एक और भी आ गई है, तो ऑप्शन ऑफ सीट मिल जाएगी।